हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी स्पाइसी चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक और इजी बनने वाली है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसे एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर हम उसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है और जिसमें मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब विनेगर ऐड कर चुकी हूँ। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून अमूल बटर। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून दही के लिए है और उसे अच्छा सा फेंट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये स्पाइसी वाला है इसलिए मैं 1 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ। साथ ही ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही फटाफट से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम हमारी चिकन के पीसेस को। तो यहाँ पर मैंने टोटली 6 पीसेस लिए हैं और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने सो इस तरीके से इस पर कट्स लगाए हैं ताकि जो मैं हम मैरिनेट प्रिपेयर करेंगे वो इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाए और बहुत ही अच्छा सा चिकन में अंदर से भी टेस्ट आए। तो अब मैंने चिकन भी ऐड की है और इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। जब भी आप चिकन ड्रमस्टिक बनाएं तो मेक श्योर करें कि आप उसको मैरिनेट करके रखें। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी कम वक्त था तो मैंने इसे 4 आवर्स के लिए ही मैरिनेट किया है। अगर आप और भी इसको टेस्टी और डिलीशियस बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट इसे 1 नाइट मैरिनेट कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अब इसे मैं कवर करके रख रही हूँ 4 आवर्स के लिए। आफ्टर 4 आवर्स मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है और आप देख सकते हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मैंने इसमें पहले गरम मसाला ऐड नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी चिकन में जो फ्लेवर्स आए वो तीखे हो, थोड़ा सा खट्टा सा उसमें फ्लेवर आए, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहती थी इसलिए मैंने इसमें गरम मसाला लास्ट में ऐड किया है। अब मैंने इसे कवर कर लिया है और 10 to 15 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं आफ्टर 15 मिनट्स चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है और उसने अपना काफ़ी मॉइस्चर रिलीज़ किया है। ये सारा मॉइस्चर हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है कि हमारा चिकन कुक हो गया है चलिए हम पानी निकाल लेते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपने इसी में ही चिकन को टर्न करना है 1-2 बारी और सारा मॉइस्चर जो है ये हमारा जूसेस है जो हमने मसाला मैरिनेट इसको किया था, तो हमने इन सबको चिकन में ही ऑब्जॉर्व कराना है। तो हम इसको दोबारा से कवर कर लेंगे, लीड लगा लेंगे इसको और हार्डली 5 to 6 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे ताकि सारा मॉइस्चर जो है वो ऑब्जॉर्व हो जाए। तो ये देखिए चिकन ने सारा मॉइस्चर जो भी जूसेस रिलीज़ किए थे वो खुद ही उसने सोक कर लिए है और चिकन बिल्कुल ही अच्छा सा कुक हो चुका है, टेंडर हो चुका है और आप देख सकते हो बड़ा ही मज़ेदार बढ़िया सा दिख रहा है। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है चिकन। एक बार ये बस मैं इसे टर्न कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि ये बिल्कुल ही अच्छे से कुक हो चुका है। अब आप इसको इस तरीके से रख सकते हो, अगर आपको शाम में पार्टी है तो आप इसी तरीके से इसको बनाकर रख सकते हो और जब भी आप इसको सर्व करने वाले हो उससे पहले आप इसको निकाल लो और इसको तैयार करके सर्व कर लो। तो तैयार करना है मैंने अब इसे सर्व करने के लिए। तो यहाँ मैंने एक ग्रिल पैन लिया है जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड किया है। जैसे ही बटर हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें हमारे चिकन के पीसेस रख देंगे। तो यहाँ मैं टोटली हमारे सारे चिकन के पीसेस रख रही हूँ क्योंकि मेरा पैन काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ एक साथ मैंने 6 पीस रख दिए हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल को। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कम स्पाइसी और तेज़ रंग वाला फूड कलर, जो कि कलर आपकी चिकन को बहुत ही अच्छा सा देगा और ये बिल्कुल तीखा नहीं होता है, बस इससे चिकन को जो है कलर बहुत अच्छा आता है। इसको ऑयल के साथ ही डालना है, आप इसको पहले डालोगे तो पूरा चिकन जो अंदर से वाइट होता है उसको भी कलर आ जाता है। तो मैं बिल्कुल प्रिफर नहीं करती उसको पहले ऐड करने के लिए। मैं उसको जब चिकन को हल्का सा ऑयल या बटर में आप रोस्ट करते हो उसी वक्त ही उसमें ऐड करती हूँ ताकि चिकन जो है ऑयल के साथ उस पर कोटिंग लगे बहुत ही अच्छा सा कलर आने के लिए। तो आप देख लीजिएगा मैं इसको इस तरीके से टर्न करती रहूँगी और कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आने लगेगा।
अगर आप इसको पहले ही ऐड करोगे मैरिनेशन के दौरान कलर को, फूड कलर को, तो वो क्या करता है कि आपकी चिकन को अंदर से भी रेड कर देता है, विच वी डोंट वॉन्ट. हमको चाहिए कि हमारा चिकन जो है ऊपर से अच्छा सा कलर आए, अंदर वो वाइट ही रहे. तो ये देखिए मैं हल्का हल्का सा ऐड कर रही हूँ, मुझे जितना कलर चाहिए उस लेवल तक. तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा मेरा कलर आ गया है चिकन को, और काफ़ी गर्म है ये अभी, तो मैं इसे तुरंत सर्व कर लूँगी. तो ये हमारी चिकन बिल्कुल बनके तैयार है. बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, आप इसको कभी भी बना सकते हो एज अ स्टार्टर. ये देखिए पूरा चिकन में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है. अब मैंने गैस का फ्लेम को ऑफ किया है, और दूसरे पैन पे मैंने सिजलर प्लेट रखी है जो कि बहुत ही गर्म हो चुकी है. और मैंने चिकन के पीसेस को आप देख सकते हो उसके स्टिक पे फॉइल लगाया है जो कि बहुत ही सर्व करने के वक्त खूबसूरत दिखता है, और आपके गेस्ट काफ़ी इंजॉय करते हैं इसको. इसको पकड़ के खाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे फील आता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आपने वहीं पर डिनर कर लिया है. तो अब मैंने हल्का सा इसमें बटर ऐड किया है ताकि वो सिज़र वाली फीलिंग आ जाए. ये देखिए ये मेरा लास्ट लुक है डिश का. इसे मैंने अब डिश आउट कर लिया था तो मैंने इसके फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं. यहाँ पर मैंने इसके साथ मिंट की चटनी सर्व की है और थोड़ा सा सैलेड सर्व किया है. उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी. अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाले हर नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिले. दोबारा मिलते हैं, टेक केयर.